तो वीडियो श्रृंखला लोग के दूसरा कड़ी में आज हमने के बात करे जा रहा बनी जा शंकर गुहा नियोगी के बारे में। नियोगी के जन्म 14 फरवरी 1943 में जलपाईगुड़ी बंगाल में भइल रहे। इनकर असली नाम धीरेश रहे। उनकर प्राथमिक पढ़ाई आसाम में भइल रहे। वही जाके खूब सुघर प्रकृतिक नजारा देख के इनकरा प्रकृति से बहुत लगाव हो गए। उनकर हाई स्कूल के समय आसनसोल भिरी एगो कोयला के खान रहे, वही जे बीतल। वहाँ के कोयला मजदूर के जिंदगी के बहुत भीरी से उनकरा देखे के मिलल। उनकरा समझ में ये बात आवे लागल कि व्यवस्था में अमीर और अमीर होखल जाता सन आ गरीब और गरीब। साइंस कॉलेज जलपाईगुड़ी में पढ़त वो छात्र आंदोलन में हिस्सा लेबे लगलन आ विद्यार्थी परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बन गेलन। वो छात्र राजनीति में इतना व्यस्त रहे लगलन कि उनका रिजल्ट खराब हो गए। तब उनकरा के अपन परिवार के सिफारिश पर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई। यह जमाना में जब अधिकांश काम सिफारिश पर होता, इस सिफारिश उनकरा मंजूर ना भइल आ वह बात पर अपन घर छोड़ दिलन। 1961 में वो भिलाई इस्पात कारखाना में कुशल श्रमिक के रूप में काम करे लगलन। उच्च शिक्षा के मन रहे, ऐसे दुर्ग के विज्ञान कॉलेज में प्राइवेट छात्र बन के बीएससी करे लगलन। यही जो छात्र आंदोलन के कमान इनकर हाथ में आ गए। पहला हाली यही जे दुर्ग नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के मांग पूरा करे खातिर आंदोलन कैलन आ ओना में कामयाब भइलन। 1964 में सीपीआई टूट के दूगो हिस्सा में बंट गए। इस सीपीआई एम के संगे जुड़ गेलन। कुछ दिन तक वो सीपीआई एमएल संगे जुड़ल रहन, लेकिन उनकर काम करे के तरीका पार्टी के तरीका से मेल ना खात रहे आ उनकरा के पार्टी से निकाल दिहल गए। पार्टी उनकरा से ई चाहत रहे कि वो गुप्त संगठन बनावस आ पूंजीपति वर्ग के कमर तोड़े खातिर उद्योगपतियन पर लुका के हमला करके मुआवे के प्लान बनावस। लेकिन इनकर कहना रहे कि संगठन के पहले छोट छोट मांग क के बढ़ावल जाओ, फैलावल जाओ, एकरा के खूब बड़ जन आंदोलन बनावल जाओ, धीरे धीरे आखिरी लड़ाई तक पहुंचल जाओ। इहे मतभेद पर उनकरा के पार्टी से निकाल दिहल गए। 1968 में भिलाई इस्पात कंपनी में उनकर लीडरी में कामयाब हड़ताल भइल जौना से उनकर नौकरी छिना गई। यही समय कहे से कि पहले वो सीपीआईएमएल से जुड़ल रहन, पुलिस उनकरा के खोजत रहन। वो भूमिगत होके यानी कि लुका के एगो पत्रिका चालू कैलन आ दूसरा और गाँवे गाँव घूमे के प्लान बनावत रहन। छत्तीसगढ़ आ ओहिजा के लोगन के जाने समझे खातिर आ एकदम उ लोग में घुल मिल जाए खातिर 1968 से गांव दर गांव घूमे लगलन। कभी बकरा बेचे वाला के रूप में, तो कबो फेरी वाला के रूप में, कबो मछुआरा के रूप में, तो कबो मजदूर के रूप में घूम घूम के शोषित लोगन के संगठन बनावे लगलन। 1971 में वो चूंकि काम सीखले रहन, उनकरा के आराम वाला काम मिल गई रही। लेकिन उस शंकर के नाम ध के हाफ पैंट पहन के पत्थर तोड़े वाला काम करत रहन, उनकरा के आगे यही नाम से जानल गईल। 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल लागल आ नियोगी के पकड़ के मीसा एक ठोला ओकरा तहत जेल में डाल दिलसन। जब जेल में रहे लगलन तब वो बहरी के आंदोलन में शामिल रहन। ओहिजा कॉन्ट्रैक्ट पर रखल मजदूर के 80 रुपया बोनस मिलत रहे, जबकि वैसने काम करे खातिर अस्थायी श्रमिक लोग के 308 रुपया। कौनो मजदूर यूनियन के नेता कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक मजदूर के आवाज उठावे खातिर तैयार ना भइल सन। आपातकाल खत्म भइला के बाद नियोगी दल्ली राजदारा लोहा खदान में अइलन आ ओहिजा ठेका मजदूर के स्वतंत्र संगठन बनौलन CMSS। यहाँ जहाँ के झंडा बनल लाल हरियर, लाल मजदूर वर्ग खातिर, हरियर किसान लोग खातिर। 1977 में मजदूर लोग खातिर वाजिब मजदूरी या बरसात से पहले घर के मरम्मत खातिर 100 रुपया के मांग के लेके फिर आंदोलन शुरू कैलन। राते में पुलिस नियोगी के गिरफ्तार करे आई। झोपड़ी में से नियोगी के पुलिस एगो जीप में भर के ले गई लसन। लेकिन दूसरका जीप निकले से पहले मजदूरन के नींद टूट गई। नियोगी के रिहाई के मांग के लेके वो पुलिस के दूसरका जीप घेर लेलन जा।
पुलिस घेरा तोड़े खातिर धड़ाधड़ गोली चलैल सन। कुल 11 मजदूर के ओह दिन शहादत भइल। लेकिन पुलिसिया जुलूम से आंदोलन ना दबल। 18 के लंबा हड़ताल के बाद खदान मैनेजमेंट ठेकेदार फिर से मजदूरन के मांग मान लेल सन। एह जीत के बाद औरियो जगह CMSS के शाखा खुले लगल। आंदोलन आ मजदूरन के जीत के सिलसिला चालू हो गई। 1978 में बस्तर के लोहा खदान के पूरा मशीन से चलावे के तैयारी होत रहे। एना से कुछ मजदूर लोगन के छटनी भइल रहे, लेकिन फिर आंदोलन भइल आ खाली आधा मशीनीकरण माने खातिर कंपनी मजबूर भइल। एना से छटनी भी रुक गई आ उत्पादन के गुणवत्ता भी बढ़ल। एह तरह एक के बाद एक आंदोलन आना में मिलल जीत से दल्ली राजहरा लोहा खदान के दिन भर के मजदूरी जौन मजदूर लोग के मिलत रहे वो खूब बढ़ल। लेकिन जे तरह अमीर लोग अपन पैसा देश विदेश घूमे पार्टी मस्ती करे में उड़ावेला, वही तरह अपन मेहनत खून पसीना के कमाई मजदूर थारू में बहा देत रहन जा। ऐसे वंजना के रहन सहन के स्तर में सुधार ना होत रहे। नियोगी यह बात पर अक्सर ही सवाल पूछत रहन कि का शहीद लोग के खून शराब भट्टी के नाला में बह जाई। एकरा बाद उस शराब बंदी आंदोलन चालू कैलन जेकरा वजह से करीब 1,00,000 लोग के नशा से छुटकारा मिलल। अब तक जितना मजदूर यूनियन रहे ओकर काम मजदूरी में बढ़ोतरी बोनस के मांग लागल आरोप के जवाब देवे से बेसी कुछ ना रहे। यूनियन के काम खाली कंपनी के अहाता तक खाली सीमित रहे। नियोगी कहत रहन कि यूनियन के काम खाली 8 जवन की काम के समय रहे ओतने ना होके के चाहिए बल्कि पूरा 24 होके के चाहिए। एक क्रम में संगठन के बहुत सारा विभाग बनौलन जवना में खेती विभाग ट्रेड यूनियन विभाग शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग खेलकूद विभाग नशाबंदी विभाग पुस्तकालय विभाग पर्यावरण विभाग नियन 18 विभाग रहे। लइकन के पढ़ाई खातिर 6 प्राइमरी स्कूल खोलल गई। अनपढ़ मजदूर लोग खातिर सयान शिक्षा के काम चालू भइल। शिक्षा के आंदोलन के चलते सरकार आ खदान मालिकन के शहर में बहुत सारा प्राइमरी माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक स्कूल खोले के पड़ल। स्वास्थ्य आंदोलन के अंदर सफाई आंदोलन शुरू भइल। 1983 में संगठन द्वारा 11 शहीद मजदूर के शहीदी पर शहीद अस्पताल शुरू भइल। छुट्टी के दिन मनोरंजन आ स्वास्थ्य सांस्कृतिक कार्यक्रम खातिर नया अंजोर नाम के प्रोग्राम के शुरुआत भइल। खेल कसरत खातिर फुटबॉल क्लब आ लाल हरियर एथलेटिक क्लब बनल। मेहरानू के हक हुकूक खातिर महिला मुक्ति मोर्चा बनल। छत्तीसगढ़ के शोषण खत्म करे खातिर आ मजदूर किसान राज बहाल करे खातिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा CMM के स्थापना भइल। वन क्षेत्र बढ़ावे खातिर वन सृजन काम शुरू भइल। यानी कि जवन काम सब सरकार के करे के रहे वो सब काम जवन संगठन बनेल रहन नियोगी संगठन करे चालू कर दलस सरकार पर निर्भर ना होके। नियोगी के लीडरी से प्रभावित होके छत्तीसगढ़ के दूर दूर इलाका में लाल हरा झंडा फहरे लगल। राजनंदा गांव जिला के कारखाना में आंदोलन भइल। 1984 में एहिजा पुलिस फायरिंग में 4 लोग शहीद भइलन जा, लेकिन आंदोलन कामयाब रहे। 1990 में उनकरा के भिलाई स्टील कारखाना के हजारों मजदूर लोग बोलौलन जा, ये नियोगी भैया आओ हमनी के शोषण के खिलाफ लड़ाई में तोहार लीडरी के काम बा। जैसे वो दल्ली टोला में नया जान डाल दिल रहन वही तरह नियोगी चल दलन मजदूरन के संगे लड़े खातिर। इहे भिलाई से उनकरा भागे के पड़ल रहे। अब जब वो 20 बाद लौट के आई रहन लाखों मजदूर भाई रोड पर हाथ उठा के मुट्ठी कस के उनकर स्वागत कैलन जा। BJP के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा सब लोग के हालत खराब होके लागल कि अब का होई। जवन लाखों लाख रुपया राम भक्त करोड़पति पूंजीपतिया पार्टी के चंदा देत रह सब तो रुक जाइय। नियोगी बड़ा निपुणता से संगठन बनौलन, ढेरे मीटिंग कैलन। सरकार धारा 144 लगा दिलस ताकि मीटिंग ना हो पावे, लेकिन नियोगी इतना आराम से हार माने वाला ना रहन। वो मीटिंग भिलाई से रायपुर में जाके कर लगवन। 30 सितंबर 1990 के नियोगी पांचों पूंजीपतियन जे भिलाई के चलावत रहे ओकरा आगे मजदूर लोग के मांग रखलन। सब मामूली मांग रहे, जैसे अस्थाई कारखाना में अस्थाई रोजगार के मांग, 8 काम
आदि जौना के बारे में रउआ पिछला कड़ी में सुनले रहे, लेकिन कंपनी मालिक सब कौनो मांग माने खातिर तैयार ना भइल सन। 16 नवंबर के हड़ताल शुरू भइल, पूंजीपति सब पुलिस के सहारा लेल सन, 4,500 मजदूरन के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दहल सन, लेकिन हड़ताल पर कौनो असर ना भइल। एकरा बाद एगो कंपनी में आग लगा के ओकर दोस्त नियोगी पर मर के उनकरा के बेइज्जत करे के प्रयास कइल सन, लेकिन एगो साहसी पत्रकार देवीदास पूरा षड्यंत्र के पर्दाफाश कर दल। चाकू मारे के उनकरा के कोशिश भइल, जौना से केहू तरह बच गइल। अंत में गलत सलत आरोप लगा के उनकरा के जेल डाल दल सन। 4 फरवरी 1991 के मोर्चा उच्च न्यायालय तक गइल केस लड़े। कोर्ट उनकरा के सब आरोप से छुट्टी दे दल सन, बरी कर दल सन। सब तरह से हार के पूंजीपति वर्ग आ नेतवन सब मिल के उनकरा के मारे के प्लान बनौल सन। नियोगी के न्याय मिले के उम्मीद ना रहे। 50,000 मजदूरन के साइन लेके नियोगी 500 मजदूरन के संगे दिल्ली गइलन, धरना देलन, जा राष्ट्रपति से मिललन, ओती घड़ी विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिललन, लेकिन उ लाखों मजदूर खातिर केहू के कौनो फिक्र ना रहे। उ नेता लोग के इहो बतौलन कि उनकर जान के खतरा बा, लेकिन कौनो सुनवाई कौनो फायदा ना भइल। अपन हत्या से बहुत पहले ही वो अपन हत्या के साजिश के बारे में जानत रहन, लेकिन वो बेपरवाह रहन। अपन डायरी में लिखल रहन, मुँह के तो सब ही के बा हमहू मरब आज ना तकाल, हमें धरती पर ऐसन व्यवस्था बना के जाइल चाहतनी जौना में केहू के केहू शोषण ना कर सके। हमारा यह पृथ्वी से बड़ी लगाव बा, लेकिन एकरों से बेसी हमारा अपन कर्तव्य प्यारा बा। जवन जिम्मेवारी हम अपना कान्ही पर ले बनी ओके तो पूरा कर ही के बा, हमारा के मार के ये आंदोलन के खत्म ना कइल जा सकेला। 28 सितंबर 1991 के अबे भोरो ना भई रहे, एगो रिवॉल्वर लेके आदमी खुला खिड़की से अंदर आइल आ नियोगी जी के गोली मार के हत्या कर दलस। लाखों लाख गरीब आ मजदूर के चहेता नियोगी जी के हत्या कैसे हो गई। उ नियोगी जी जे अपन पूरा जिंदगी मजदूरन के जिंदगी संगे ढाल लेल रहो, उनकर हत्या कैसे हो गई। उ नियोगी जी जौन उतने पैसा उतने तनखा लेत रहन जितना के सब मजदूर लोग लेत रहन, उ नियोगी जी जे ओइसने झोपड़ी में रहत रहन जैसन झोपड़ी में सब मजदूर लोग रहत रहे, उ नियोगी जी के हत्या कैसे हो गई। खाली पूंजीपतिये लोग मिल के हत्या करा दिले हो कि क्या, कि ओना में पुलिस प्रशासन नेता राजनीति सब शामिल हो कि। अच्छा अगर हत्या होइयो गई तो ओकरा पीछे के जवन भयानक षड्यंत्र रहे ओकर खुलासा आज तक नहीं के हो पाए। बहुत लोग शुरू में गिरफ्तार भइल रहन, लेकिन सब करा के बरी कर दल गई एगो आदमी के छोड़ के जो कि ओकरा के मर्डर कइले रहे। मर्डर करे वाला के उनकरा संगे कोनो जाति दुश्मनी रहे का ना, उ बुलावल गई रहे मर्डर करे खातिर। ऐसन कैसे हो गई कि मजदूर गरीब के उत्थान खातिर काम करे वाला आदमी के मर्डर हो जाता, आ इस सब मजदूर के चूसे वाला खून चूसे वाला आदमी सब पूंजीपति सब तरक्की कर रहा बड़ा सन पैसा बटोर रहा बड़ा सन, ऐसन कैसे हो जाता। इस सब चीज के उत्तर राजनीति पा के रुके। कौनो समाज उतने बढ़िया होला जितना की हो जाके राजनीति बढ़िया होला, यही से कहतने अबो से सोचे चालू करी जा, पढ़ी जा, लिखी जा, समझी जा। शंकर गुहा नियोगी जी के जौन काम रहे ओकरा के 15 मिनट में समेट देहल असंभव बात बा। तो अगर रउआ मन में तनको ये बात के अंकुरन फुटल होके कि नहीं रउआ अगर जानल चाहत हो नियोगी जी के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हम उनकर पूरा जिंदगी के कैसे कैसे वो काम करत रहन ओकरा बारे में वो किताब लिखल गिल बा, ओकर हम लिंक डाल देब, रउआ डाउनलोड करके ओके पढ़ सके। नहीं समय निकाल के नियोगी जी के जिंदगी से परिचित होके खातिर रउआ सबके बहुत धन्यवाद। अगर रउआ लागत होके कि नहीं ये चीज के सबकरा के जाने के चाहिए, तो वीडियो के दूर दूर तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।